नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मुकेश प्रजापत। आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने देखो सीखो चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में हम स्वामी दयानंद सरस्वती के संबंध में जानेंगे। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दयानंद सरस्वती का जन्म 1824 ईस्वी में गुजरात के मोरू प्रांत के टंकारा कस्बे के एक रूढ़िवादी ब्राह्मण परिवार में हुआ था। बचपन का नाम मूल शंकर, उपनाम उत्तरी भारत का हिंदू लूथर, गुरु स्वामी विरजानंद को 1860 ईस्वी मथुरा में अपना गुरु बनाया। दयानंद सरस्वती ने 1863 ईस्वी में पाखंड खंडनी प्रथा का झूठे धर्मों का खंडन करने के लिए लहराई। दयानंद सरस्वती ने सत्यार्थ प्रकाश की रचना 1870 ईस्वी में हिंदी भाषा में की। इसका प्रकाशन अजमेर में हुआ था। आर्य समाज की स्थापना 10 अप्रैल 1875 ईस्वी को मुंबई के चीरगांव में की और 1877 ईस्वी में लाहौर में आर्य समाज के संविधान को अंतिम रूप दिया गया। दयानंद सरस्वती ने गोरक्षिणी सभा की स्थापना 1882 ईस्वी में की। उन्होंने वेदों की ओर लोटो का नारा दिया। इन्होंने इंडिया फॉर इंडियंस का नारा दिया। शुद्धि आंदोलन दयानंद सरस्वती ने चलाया। स्वामी दयानंद सरस्वती पहले व्यक्ति थे जिन्होंने हिंदुओं में आत्मसम्मान की भावना पैदा की। उनका कहना था, कोई कितना ही कहे, जो स्वदेशी राज्य होता है वही सर्वोपरि होता है। स्वामी दयानंद सरस्वती स्वराज्य शब्द का प्रयोग करने वाले प्रथम व्यक्ति थे। दयानंद सरस्वती ने चार स्व की अवधारणा दी जो ये है, स्वराज्य, स्वधर्म, स्वदेशी, स्वभाषा। ईस्वी में स्वामी दयानंद सरस्वती ने उदयपुर में प्रोपकारिणी सभा की स्थापना की जो बाद में अजमेर स्थानांतरित हो गई। स्वामी दयानंद सरस्वती ने स्वधर्म, स्वदेशी, स्वभाषा व स्वराज्य का सूत्र दिया। एनी बिसेंट ने उनके संबंध में लिखा है, दयानंद सरस्वती प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने भारतीयता का नारा लगाया। इन्होंने हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने पर बल दिया। स्वामी जी ने लिखा है, अच्छे से अच्छा विदेशी राज्य बुरे से बुरे स्वदेशी राज्य की तुलना में भी बुरा है। या उन्होंने कहा है, स्वराज्य में चाहे कितनी ही बुराइयां क्यों न हो, विदेशी राज्य में चाहे कितनी ही अच्छाइयां क्यों न हो, स्वराज्य विदेशी राज्य से अच्छा होता है। वेलेंटाइन सिरोल ने अपनी पुस्तक इंडियन अनरेस्ट में आर्य समाज को भारतीय अशांति का जन्मदाता कहा। पाखंड खंडनी पताका। गुरु की आज्ञा से ही स्वामी जी ने हरिद्वार जाकर पाखंड खंडनी पता का 1863 ईस्वी में लहराई और मूर्ति पूजा का विरोध किया था। शुद्धि आंदोलन। स्वामी जी ने धर्म परिवर्तन कर चुके लोगों को फिर से हिंदू बनने की प्रेरणा देकर शुद्धि आंदोलन चलाया। विरोध एवं समर्थन। स्वामी जी ने जातिवाद, बाल विवाह, सती प्रथा, मूर्ति पूजा और वर्ण भेद का विरोध किया तथा विधवा पुनर्विवाह और नारी शिक्षा एवं समानता का समर्थन किया। पुस्तकें सत्यार्थ प्रकाश, ऋग्वेद भूमिका, वेद भाष्य, संस्कार निधि, व्यवहार भानु। आर्य समाज का मुख्य उद्देश्य प्राचीन वैदिक धर्म की शुद्ध रूप से पुनः स्थापना करना था। स्वामी दयानंद निराकार ब्रह्मा में आस्था रखते थे। वे वेदों के ज्ञान को ही वास्तविक ज्ञान मानते थे। स्वामी दयानंद ने नैतिक शिक्षा, सदाचार, ब्रह्मचर्य, स्वास्थ्य तथा वेदाध्यान शिक्षा को विशिष्ट स्थान दिया। भारत के सामाजिक इतिहास में वह पहले समाज सुधारक थे जिन्होंने
शूद्र और क्षत्रिय को वेद पढ़ने तथा ऊंची शिक्षा प्राप्त करने योग्य पवित्र धारण करने तथा अन्य सभी पक्षों से ऊंची जाति तथा पुरुषों के बराबर के अधिकार प्राप्त करने के लिए आंदोलन किया। स्वामी जी ने सबसे अधिक कार्य क्षत्रियों की स्थिति सुधारने के लिए किया। स्वामी जी ने हिंदी व संस्कृत में वेद भाष्य भूमिका एवं संस्कृत में वेद भाष्य लिखा। स्वामी जी को नन्ही जान नामक वेश्या ने जोधपुर में विष दिया, जिससे स्वामी जी का 30 अक्टूबर 1883 को अजमेर में निधन हो गया। स्वामी दयानंद सरस्वती के सुप्रसिद्ध ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश का प्रकाशन कहाँ हुआ? अजमेर में, जोधपुर में, उदयपुर में, जयपुर में। स्वामी दयानंद सरस्वती के सुप्रसिद्ध ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश का प्रकाशन अजमेर में हुआ। निम्नलिखित में से कौन सा कथन स्वामी दयानंद सरस्वती के बारे में सही नहीं है? स्वामी दयानंद ने 1875 ईस्वी में आर्य समाज की स्थापना की। स्वामी दयानंद जाति प्रथा के विरोधी थे। मूर्ति पूजा को स्वामी दयानंद भक्ति से आधार मानते थे। स्वामी दयानंद क्षत्रिय शिक्षण के समर्थक थे। निम्न में से कौन सा कथन स्वामी दयानंद सरस्वती के बारे में सही नहीं है? स्वामी दयानंद सरस्वती मूर्ति पूजा को स्वामी दयानंद भक्ति से आधार मानते थे। विदेशी शासन कितना भी अच्छा क्यों न हो, वह स्वराज्य की बराबरी नहीं कर सकता। इस कथन में किसके विचार अभिव्यक्त होते हैं? राजा राममोहन राय, दयानंद सरस्वती, विवेकानंद, केशव चंद्र सेन। उत्तर है दयानंद सरस्वती। दयानंद का संघर्ष मुख्यतः विरुद्ध था। इस्लाम के अनुयायियों, ईसाइयों, हिंदुओं, सभी प्रतिक्रियावादी धार्मिक शक्तियों। उत्तर है इस्लाम के अनुयायियों। आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें तथा अपने दोस्तों को शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।